मुझे बुरा लगता है जब लोग मेरी नागरिकता पर सवाल करते हैं। कई लोग मुझे कैनेडियन कुमार भी बुलाते हैं, जो मुझे चुभता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको बातें नहीं बनानी चाहिए। ये कहना है बॉलीवुड फिल्म एक्टर अक्षय कुमार का। ये उन्होंने तब कहा है जब वे लगातार अपनी नागरिकता पर ट्रोल हो रहे थे। स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में, मैं हूँ गरिमा गौर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कनाडा की नागरिकता को लेकर पिछले कुछ सालों से लगातार ट्रोल हो रहे थे। इसके बाद उन्होंने बीते कल 15 अगस्त के मौके पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। उन्होंने लिखा कि अब दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। बता दें कि अक्षय कुमार के पास अभी तक कनाडा की नागरिकता थी, जिसके कारण लोग उन्हें अक्सर कैनेडियन कुमार कहकर अक्षय कुमार को साल 2011 में कनाडाई संघीय चुनाव के बाद वहां की कंजर्वेटिव सरकार ने कनाडा की नागरिकता दी थी। वहीं अक्षय ने दिसंबर 2019 में भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, तब उन्होंने अपने दोस्त की सलाह पर कनाडा में बसने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने कनाडा के पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद उन्हें वहां की नागरिकता मिल गई थी। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने सोचा मेरी फिल्में चल नहीं रही हैं और मुझे काम करते रहना है, इसलिए मैं कनाडा काम करने के लिए गया था। वहीं दोस्त ने मुझे बसने की सलाह दी और इस दौरान मैंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया था। उस समय मेरी सिर्फ और सिर्फ दो ही फिल्में रिलीज होने के लिए बची थी और किस्मत से मेरी ये दोनों फिल्में ही सुपरहिट हो गई। उसके बाद से मैं नहीं रुका और लगातार काम करता चला गया। इस दौरान मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे यह पासपोर्ट बदलवा लेना चाहिए। पिछले कुछ समय से अक्षय कुमार अपनी नागरिकता के लगातार ट्रोल हो रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा कि भारत मेरे लिए सब कुछ है, मैंने जो भी कमाया है यही रहकर कमाया है। मैं खुद को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे इसी देश को सब कुछ लौटाने का मौका भी मिला है। मुझे तब बुरा लगता है जब लोग मेरी नागरिकता पर सवाल करते हैं। कई लोग मुझे कैनेडियन कुमार भी बुलाते हैं, जो मुझे चुभता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको बातें नहीं बनानी चाहिए। बता दें कि अक्षय कुमार की OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन 12 करोड़ रुपए की कमाई की। अब तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए हो चुका है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।